हाय एवरीवन, मैं खुशबू चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल किरण प्रशिक्षण केंद्र में। आज मैं आपको हैंडमेड राखियाँ बताऊँगी जो आप नेम वाला या कोई भी कुछ भी लिख के आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें एक रिबन चाहिए या कोई सा भी सादा कपड़ा, जैसे हमारे पास ब्लैक कलर का एक कपड़े का जो है थोड़ा बहुत टुकड़ा बचा हुआ है, मैं उसी को ले लूँगी, या मेरे पास तो ये रिबन है, मैं इसी पर ले कर बनाऊँगी। और फिर भी ग्लू चाहिए, मेरे पास काफ़ी जो है पोत की छोटी छोटी मोतियाँ मिक्सअप हो गई हैं, पर हैं हमारे पास मोतियाँ, सो मैं वो लूँगी। पैरासूट का धागा ले रही हूँ क्योंकि इसको गुथने के लिए पैरासूट का धागा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और सबसे पहले मैं इस पर ये फेवी ग्लू लगा के और सारी मोतियों को सेट कर लूँगी। उसके बाद जब ये सेट हो जाएगा तब मैं इसे एक दूसरे से जो है मिक्सअप मैच करके कैसे गुथा जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस पर गोंद लगा लेंगे। ऐसे हमें गोल लगाना है, फिर हम मोती लेंगे। इस मोती को हमें सीधा रखना है, हमको एक ये पता रहना चाहिए कि हाँ एकदम सीधा निकलना चाहिए। तो हमने मोती को इस पे लगा दिया है, अब हम बाकी मोतियों को भी ऐसे लगा के सीधा सीधा और जो है रख देंगे। तो मैंने इतना बना लिया है, मुझे स्वास्तिक बनाना है तो पहले मैंने पीला वाला यूज कर लिया है आधा। अब इसमें मैं थोड़ा 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 मोती करके और एक साइड में पूरा जो है स्वास्तिक बना के यहाँ तक का कंप्लीट कर लूँगी। तो पहले मैं स्वास्तिक कंप्लीट कर लेती हूँ और आपको दिखाती रहती हूँ कि कैसे ये स्वास्तिक कंप्लीट होगा। तो हमारा आधा स्वास्तिक तैयार है और आधा हम और कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। तो पहले हम इसको बना के कंप्लीट करके रख लेंगे। हमें टोटल चार मोतियाँ लगानी हैं। चार कंप्लीट हो गई है, अब हमें इसमें ब्लैक लगाना है। तो हम ब्लैक लगा के स्वास्तिक तैयार कर लेते हैं। तो हमारा स्वास्तिक तैयार हो गया है, अब हमें एक लाइन ब्लैक और एक लाइन येलो का जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, तो पूरा स्वास्तिक देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो पूरा ब्लैक एक और लगा लेते हैं हम लोग लड़ी यहाँ पर। बस हमको करना क्या है, सुई में धागा लगा लेना है। हमें धागे में हमें गुथना भी नहीं है अभी, क्योंकि इसे हम बाद में गुथेंगे, सिर्फ धागा लगा के और इसे सेट कर देना है। ये देखिए, अब हम यहाँ पीला वाला लगा लेंगे। तो हम पीला भी एडजस्ट कर लेंगे। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसे धागे से आर पार करके गुथ लेंगे, ताकि ये हमारा ये निकले ना, और आप ये लेस आराम से इसे निकाल सकते हैं। तो इसमें अभी कुछ दो चार मोती कम हैं, सो मैं लगा लेती हूँ। तो हमारा स्वास्तिक कंप्लीट हो गया, अब हम इस पे नाम लिखेंगे। तो मुझे नाम लिखना है तरुण, ठीक है। तो तरुण मेरे भाई का नाम है, तो मैं तरुण की स्पेलिंग लिख लेती हूँ। पहले जैसे मैंने ये स्वास्तिक बनाया वैसे मैंने तरुण का भी बना लेना है पूरा। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि तरुण नाम लिखने के बाद कैसा लग रहा है। गाइस देखिए, मेरा स्वास्तिक फिर तरुण मैंने पूरा कर लिया है। अब मुझे फिर यहाँ पे स्वास्तिक ही बनाना है, हाँ। और मैंने इसे, अब ये रात हो गई है सो आपको काफ़ी क्लियर नहीं दिखेगा, चलिए हम कोशिश करते हैं आपको। ये देखिए,
स्वास्तिक टी ए आर यू एन, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कभी कभी हो जाता है सबसे, उससे भी हो गया। सो यहाँ की मोती जो है नीचे हो गई है थोड़ी, बाकी मैं स्वास्तिक बनाने जा रही हूँ, मैं स्वास्तिक बना के फिर आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो मेरा ये ब्रेसलेट एज अ ब्रेसलेट और राखी तैयार है और इसे हमें गुथना है, पर अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अभी ग्लू लगा हुआ है। सो जब ग्लू सूख जाएगा तब हम इसे जो है आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको जो है एक दूसरे से जोड़ के और ब्रेसलेट बना सकते हैं, ताकि आपका ये रिबन भी निकल जाए तो आपका ये जो बना रखा है, मैंने नाम लिखा है, वो अलग ना हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो बाकी चीज़ें आप रह जाओगे, आपको नहीं पता चल पाएगा कि क्या है कैसे बना। तो कल मैंने इसे चिपकाना बताया था, आज मैं इसे गुथना बताऊंगी। तो आपको इसमें से सुई डालना है और पैराशूट का ही धागा रहेगा, आपको ऐसे निकाल लेना है, एकदम बारीक धागा यहाँ तक निकाल लेना है। उसके बाद आप दूसरे साइड से, एक सेकंड, दूसरे साइड से आप इसको ऐसे निकाल लेंगे, फिर आपको इसमें नॉट लगा देना है। ये देखिए ऐसे, अब हमें सबको ऐसे गुथ लेना है। कुछ कुछ मोतियाँ इधर उधर हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, वो मोतियों को हम बाद में जो है डाल लेंगे और सही कर लेंगे। तो पहले हमें एक साइड से पूरा निकालते चले जाना है, लगाते चले जाना है। ताकि आपकी मोती जो है इधर उधर ना हो जाए, गुथने के बावजूद भी ये निकल जाती है। ये देखिए यहाँ साइड की मोती निकल गई है। पहले हम एक साइड का कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरे साइड से भी ऐसे गुथते चले जाएंगे। हमने मोती एकदम सही किया था, पर बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है मोतियों का चिपकाने में। ये देखिए तो हमें ऐसे करके इस पूरे को एक साइड से पहले कंप्लीट कर लेना। तो पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ तक का हो गया है, धागा ख़त्म हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमारा धागा ख़त्म हो गया, और आप ध्यान से देखेंगे तो बीच बीच में वाइट वाइट सा है, ये धागा यहाँ यहाँ पड़ गया है एक एक को छोड़ते हुए। अगर ये निकला तो लंबी एक लड़ी बन जाएगी, तो हमको यहीं से धागा फिर वापस लेके जाना है, यहाँ से उसके जस्ट अपोजिट। तो हम यहाँ से धागा रिवर्स कर रहे हैं, मुझे लगता है ये मोती मुड़ गया है। हाँ, ये मोती राउंड हो गई थी, अब हम इस धागे में वापस सुई डालेंगे। ये देखिए, तो मैंने इसमें नॉट नहीं लगाया है। ये देखिए मैंने नॉट नहीं लगाया है, और अब हम इसमें नॉट लगाएंगे। ताकि ये खुले ना,
हमें ऐसे नॉट लगाना है ताकि ये उसको जलाने के बाद भी ये खुले ना। ये देखिए हमारा हो गया। अब हमारा एक साइड से हुआ, हम यहीं तक इसको पहले राउंड करके पूरा गुथ लेंगे क्योंकि अब धागा छूट गया था, तो मैं यहाँ से फिर ले जाऊँगी यहाँ पे। अब इसको हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये एक मोटी उल्टी हो गई, इसको भी सीधा कर लेंगे। अब हमें इधर से लेके जाना है। पहले हमने इस राउंड से ऐसे ऐसे किया था, फिर इधर से किया, इधर से किया। अब हमको उल्टा करना है ताकि हमारे धागा सब पूरा जो है पूरी मोती इसमें आराम से गुज जाए, ताकि अगर इसमें से रिबन भी निकल जाता है तो हमारा नाम वैसे के वैसे ही रहे, निकले ना। ये देखिए ऐसे धागा थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है क्योंकि ये पोत है, अगर डबल धागा चलाएंगे तो इसमें चलेगा नहीं, और सिंगल धागा भी बड़ा रखना पड़ता है क्योंकि इसमें डबल गुथना पड़ता है, तो इसकी वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसका ज्वेलरी का धागा वाला भी जो है वो भी मिलता है, ज्वेलरी का प्लास, पर मेरे पास रखा हुआ है पर मिल नहीं रहा है। सो मैं, मेरे पास डेली यूज के लिए जो घर में प्लास है मैं उससे ही यूज कर रही हूँ। कि देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा धागा वैसे ही सिलाई, जैसे सिलाई करते हैं हम लोग, वैसे ही धागा आ रहा है और आगे नहीं है। तो हमको पूरा इसको करके यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद हम यहाँ से धागा स्टार्ट करके फिर से गुथना शुरू करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे ऑल नोटिफिकेशन आप पे पहुँच जाएँ, और कमेंट में बताया कीजिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। और मैं घर में वेस्ट मटेरियल से भी कुछ बना के आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं क्ले की पेंटिंग ले, क्ले की जो है पेंसिल डेकोरेशन करने के लिए लेके आ रही हूँ कि आप अपने बच्चों के पेंसिल को कैसे आकर्षक बना सकते हैं, तो उसकी भी वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगी, तीसरे दिन आपके पास आ जाएगी वीडियो। और बाज़ार में जो हल्की वाली क्ले मिलती है उससे बच्चों को डेकोरेट करना भी सिखाऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बच्चे कैसे डेकोरेट कर रहे हैं। तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो हमारा आधा ज़्यादा हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक का हो गया है, अब हमें बस इतना और करना है, तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे फिर नॉट लगा देंगे। अब इसे हमें कट कर लेना है। अब हमारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का भी कंप्लीट कर लेना है, इतना भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरा गुद गया है आप देख सकते हैं, और ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके साइड में मोती लगानी है ताकि मैं उसे राखी बांध सकूँ। पीछे भी देख लीजिए चिपकाया हुआ है, कहीं पर भी हमारा धागा निकला नहीं है, कहीं पे भी मेरा धागा निकला नहीं है। और यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया था जिससे मैं सिलते वक्त ही सही कर दी थी, मैंने दोनों तरफ से देखिए अच्छे से सिलाई लगा ली है।
अब ये मेरा ब्रेसलेट जैसा हो गया है, अब बस यहाँ लगा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको राखी बांधने पे कैसा लगेगा। तो मैंने इसे जो है बीच से सिलाई लगा दी है, क्योंकि इसको मैंने पूरा गुथा नहीं था बीच बीच से, तो अगर मैं इसे छुड़ा के गुथती तो ये सब अलग हो जाते हैं। तो मैंने इसे ऐसे ही गुथ लिया और गुथने के बाद इसे भिगो के पानी से साफ़ कर लेना है। और जैसा हमने इधर लगाए हैं वैसे सेम हमने दूसरी तरफ भी लगाया है। तो इसको बांधने के लिए हम दोनों साइड से जो है बांध लेंगे। अब ये वाली डोरी है माइक्रम की, तो आप आराम से इसको बांध सकते हैं हाथ पे। तो हम आपको दिखाते हैं। तो बांधने के बाद कुछ ऐसा लगेगा आपके हाथों में ये। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि हमारी ऑल नोटिफिकेशन आप पे मिलती रहें और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।